देखिए ऐसा है, अभी मेरे पास कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं, लेकिन टेलीफोनिक मेरे को कन्फर्मेशन दिया है। तभी भी एक पीस एंड नॉर्मलिसी की बात है, दूसरा तो डेवलपमेंट की भी बात है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा हम लोग को चिंता इसमें है कि हम लोग का गोरखलैंड का मूवमेंट कैसे हम लोग लेके जाएं आगे, कैसे हम लोग थ्रू डायलॉग के जरिए, टॉक्स के जरिए त्रिपक्ष वार्ता बुलाएं। देखिए जब हम लोग जीटीए में था, जब मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था वहाँ पे, तो जीटीए की तरफ से पावर एंड फंक्शन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बार बार इंक्रोचमेंट के खिलाफ में, मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट कोलकाता में 6 याचिका दायर किया था, और लास्ट ईयर मैंने इसी पावर एंड फंक्शन और इंक्रोचमेंट के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने याचिका दायर किया था। देखिए आने वाला दिन में हम लोग पावर एंड फंक्शन की बात नहीं करेंगे, जब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग का संभाल लेंगे, तो आने वाला दिन में डेवलपमेंट एक एक जगह पे है, पीछे नॉर्मल से थ्रू बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे गोरखलैंड का मूवमेंट को त्रिपक्षीय वार्ता में ले आए, उसमें हम लोग का प्राथमिकता है, वहाँ पे हम लोग ये विचार करेंगे। आप पूजा के बाद से ही ऑफिस